अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। शेयर बाजार की गिरावट निवेशकों की धड़कनों को तेजी से बढ़ा रही है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के चलते दुनिया भर के शेयर बाजार में तेज पिकवा लिया है। इन्हीं संकेतों का असर सोमवार को घरेलू बाजारों पर भी दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स 1700 अंक तो निफ्टी 550 अंक टूट गया। बीते दो सत्र में निवेशकों के 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूब गए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने निवेशकों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि यूरोप के कई देशों में तेजी से संक्रमण फैल रहा है। अगर मामले और तेजी से बढ़ते हैं तो बिजनेस गतिविधियां थम जाएंगी। ऐसे में आर्थिक ग्रोथ का पहिया एक बार फिर से धीमा होता दिखाई देगा। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने मुद्रा स्फीति से लड़ने के लिए 2022 के अंत तक 3 बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। ऐसे में निवेशकों की चिंताएं और बढ़ गई हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फेडरल रिजर्व के बाद अब ये सेंट्रल बैंक भी कठोर रुख अपना सकते हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड गुरुवार को कोविड-19 महामारी के शुरू होने के बाद से ब्याज दरें बढ़ाने वाला पहला प्रमुख केंद्रीय बैंक बन गया है। नॉर्वे ने इस साल दूसरी बार 16 दिसंबर को कोविड प्रतिबंधों के विस्तार के बावजूद दरें बढ़ाई, जबकि रूस ने इस साल 17 दिसंबर को 7वीं बार अपनी नीतिगत दर बढ़ाई है। ऐसे में भारत में भी दरें बढ़ने की संभावनाएं अब बढ़ गई हैं। उधर दुनिया के विकसित अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों द्वारा नीतियों को सख्त करने की वजह से भारत के बाजार अब उतने मुनाफे वाले नहीं रह जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। इसीलिए दुनिया भर के बड़े निवेशक अब भारत के शेयर बाजारों से पैसा निकाल रहे हैं। महज दिसंबर महीने में अब तक विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार से 26,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। इस समय शेयर बाजार की नजरें सबसे ज्यादा बैंकिंग शेयरों पर हैं। बैंकिंग शेयर ही शॉर्ट टर्म में बाजार की दिशा तय करेंगे। पिछले हफ्ते आईटी कंपनियों के शेयरों को छोड़कर सभी सेक्टर में तेज बिकवाली दर्ज की गई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि गिरावट पर अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनियों के शेयरों में निवेश पर मुनाफा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।